नमस्कार, मैं प्रिया। आज 25 मई खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अब जल्द ही शुरू होगा महाजांच अभियान। बिहार में इन 8,488 वाहनों की होगी ऑनलाइन नीलामी। बिहार टूरिज्म पर स्टार्ट हुआ नया स्टार्टअप। बीटीएससी से बिहार में 1,539 फार्मासिस्ट की होगी भर्ती। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ई कंटेंट मटेरियल तैयार करेगी अब यहां की टीम। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में अब जल्द ही शुरू होगा महाजांच अभियान। बिहार में कौन सी योजनाएं किस रफ्तार से चल रही है, किस रफ्तार से नहीं, इस बात की पल पल की जानकारी अब सरकार के पास रहने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद अधिकारियों को फील्ड में जाकर योजनाओं के निरीक्षण का आदेश दिया गया है, जिसके बाद ही बुधवार और गुरुवार को बिहार के सभी जिलों के अधिकारी फील्ड में उतरने वाले हैं, योजनाओं की हकीकत को जानने वाले हैं। योजना के अनुसार जिन पंचायतों का निरीक्षण किया जाना है, इसकी सूची जिलों के डीएम को बीते दिन शाम को भेज दी गई थी, जिसके बाद ही जांच अधिकारी अब सुबह 10 बजे तक साइट पर पहुंच जाएंगे। सरकार ने सभी डीएम को साफ कर दिया है कि निरीक्षण और रिपोर्ट की डेटा एंट्री सुनिश्चित करवाई जाए। सरकार ने इसको लेकर सभी जिलों के डीएम से कहा है कि पिछली बार के निरीक्षण में देखा गया था कि बीडीओ सीओ निरीक्षण में कार्य के प्रति गंभीर नहीं थे, लेकिन डीएम इस बार निगरानी करे। निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करनी होगी, इसको लेकर सभी डीएम नोडल अधिकारियों से संपर्क भी कर सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नीतू चंद्रा की। एक्ट्रेस नीतू चंद्रा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उन्होंने करियर की शुरुआत पार्ट टाइम मॉडलिंग से की थी, फिर उन्हें कई फेमस ब्रांड के एड फिल्म भी मिलने शुरू हो गए। इसके बाद नीतू बॉलीवुड फिल्म गरम मसाला, 1-2 का 4, ट्रैफिक सिग्नल, रन, नो प्रॉब्लम, अपार्टमेंट, ओए लकी, लकी ओए में नजर आई थी। नीतू चंद्रा ने अपनी शुरुआत पढ़ाई नोटरडम एकेडमी से पूरी की थी और उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से संपन्न की। नीतू चंद्रा साल 1997 में भारत को वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप हांगकांग में देश का नाम ऊंचा कर चुकी है। उन्हें ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट से सम्मानित भी किया जा चुका है। बिहार में भी लागू होगी हिमाचल प्रदेश की ई विधान प्रणाली। बिहार भी अब अन्य राज्यों की तरह विकसित होने वाला है, क्योंकि बिहार की नीतीश सरकार दूसरे राज्यों से कई चीजों में सीख ले रही है। जल्द ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्थापित देश की पहली ई विधान प्रणाली को बिहार विधानसभा में भी लागू किया जाएगा। ये बात बिहार विधानसभा की लोक उपक्रम समिति के सभापति हरि नारायण सिंह ने कही है, जो कि उन्होंने शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ई विधान प्रणाली का जायजा लेने के बाद कही। हरि नारायण सिंह के अनुसार इस प्रणाली को शीघ्र बिहार विधानसभा में स्थापित करने का प्रयास करेंगे, ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ई विधान प्रणाली में पेपरलेस विधानसभा का संचालन किया जाता है। इसमें विधानसभा सत्र के दौरान पूछे जाने वाले सभी प्रश्न ऑनलाइन और उनके उत्तर भी ऑनलाइन दिए जाते हैं। बजट भी ऑनलाइन पेश किया जा रहा है। हिमाचल में इससे सालाना 15 करोड़ रुपए की बचत भी हो रही है। बिहार में इन 8,488 वाहनों की होगी ऑनलाइन नीलामी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन कानून में गड़बड़ी आए दिन देखने को मिल ही जाती है। हालांकि अब कानून में संशोधन किया गया है, ऐसे में जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार बिहार में शराब के साथ पकड़ी गई गाड़ियों को डीएम के स्तर से जुर्माना लेकर छोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 अप्रैल से 21 मई तक राज्य भर में जब्त 219 वाहनों को 1.96 करोड़ रुपए जुर्माना देकर छोड़ा गया है। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया है कि जिन गाड़ियों को जुर्माना भरकर नहीं छुड़ाया जा सका, उनकी ई नीलामी की प्रक्रिया सभी जिलों में अपनाई जा रही है। अभी तक ई नीलामी के लिए 8,488 गाड़ियों का निबंधन हो चुका है। इनमें से 335 वाहनों की नीलामी कर दी गई है। इस महीने 15 से 21 तारीख तक 119 वाहनों को नीलाम कर 81.69 लाख रुपए राजस्व प्राप्त किया गया है। इसके साथ ही राज्य में जल्द ही 11 नए निबंधन कार्यालय खोले जाएंगे। इसका प्रस्ताव प्रशासकीय पदवर्ग समिति को सहमति के लिए भेजा है। बिहार में यहां होगा 3 एकड़ भूमि में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसको लेकर तैयारियां खूब की जा रही है। इसी बीच अब बिहार में जल्द ही 3 एकड़ भूमि में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण करने की तैयारी हो रही है, जो कि सिमरिया गंगा घाट पर होने वाला है। डीएम रोशन कुशवाहा ने इसके लिए 3 एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पहल करने का निर्देश बरौनी के अंचलाधिकारी को दिया है। इसको लेकर बीते दिन ही स्मारनाले स्थित कारगिल विजय भवन में जिला गंगा समिति की बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने अपना बयान जारी किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भविष्य में वन प्रमंडल द्वारा उक्त पार्क का निर्माण किया जाएगा। साथ ही इस दौरान बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवक को चिन्हित करने और उनकी भागीदारी के माध्यम से नियमित अंतराल पर साफ सफाई, जागरूकता अभियान आदि के आयोजन का निर्देश दिया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने निकाली रिक्तियां।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने हेड कांस्टेबल के कुल मिलाकर 248 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 और अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति या अच्छी शारीरिक फिटनेस के साथ हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने की तारीख 8 जून 2022 से 7 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.itbpolice.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहारवासियों को हृदय की सभी जांच के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर। बिहारवासियों को अब हृदय संबंधी जांच के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में हृदय से संबंधित सभी प्रकार की जांच की सुविधा मिलने वाली है। हृदय की जो जांच नहीं हो रही है उसके उपकरण की खरीद के लिए BMSICL को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि मंगलवार को अस्पताल के रोगी कल्याण समिति की बैठक कर चुके हैं। इस साल 22,954 रोगियों को OPD और 3,136 रोगियों को IPD सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 22,140 को ECG जांच की सुविधा प्रदान की गई है। IGIC में 250 बेड का एक वार्ड बनाया जा रहा है, जिससे हृदय रोगियों के उपचार में सुविधा होगी। बिहार में जमीन रजिस्ट्री का बदलने वाला है तरीका। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि जमीन से जुड़े आपसी विवाद में मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बिहार सरकार लगातार इसमें कमी लाने की बात कह रही है, जिससे कि जमीन से जुड़े मामलों की संख्या में कमी आ सके। इसी कड़ी में हमने देखा कि जमीन से जुड़े मामलों को कम करने और रैयत के साथ ही गैर मजरुआ जमीन की पहचान करने को लेकर बिहार सरकार ने प्रदेश के जिलों में सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है, जिससे कि जमीन से जुड़े मामलों को जितनी जल्दी हो सके कम किया जाए। ऐसे में बिहार सरकार निबंधन कार्यालय में सामान्य तौर पर कातिब, जिसे हम डीड राइटर के रूप में जानते हैं, उनके सहयोग के बिना ही दस्तावेजों की रजिस्ट्री की कल्पना ही नहीं की जाती थी। ऐसे में अब बिहार सरकार इसको पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रही है। बता दें कि बिहार सरकार को पहले रजिस्ट्री कराने के लिए ग्राहकों को रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क के लिए अतिरिक्त पैसे का भुगतान करना पड़ता था। ऐसे में अब बिहार सरकार ने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से अब कातिब पर निर्भरता को पूरी तरह से दूर कर दिया है। बिहार टूरिज्म पर स्टार्ट हुआ नया स्टार्टअप। बिहार का पहला स्टार्टअप जो बिहार टूरिज्म को बढ़ावा देने में बेहद ही कारगर साबित होने वाला है, वो बीते दिन से शुरू हो गया है। ये पहला स्टार्टअप OTA के साथ बुक बाय रूम्स नामक की संस्थान का विधिवत उद्घाटन बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद के हाथों से किया गया। कंपनी सोशल कार्य के क्षेत्र में भी अपना बड़ा योगदान दे रही है। बच्चों के विकास पर काम करने वाली NGO केयर इंडिया को बुक बाय रूम्स कंपनी ने प्रत्येक बुकिंग पर 1 रुपया का दान देने का फैसला लिया है। यह संस्थान बिहार का पहला स्टार्टअप संस्थान है जो बिहार से रजिस्टर है और देश दुनिया के हर शहर तक अपनी पहुंच बनाने को तैयार है। साथ ही प्रत्येक बुकिंग पर 2 से 100% तक का डिस्काउंट भी कंपनी दे रही है। अपने आकर्षक कूपन्स के साथ बुक बाय रूम्स पूर्ण तरह से ट्रैवल एजेंसी है जो फिलहाल होटल और रूम्स में शुरुआत कर रही है और आगामी योजना में रेल फ्लाइट आदि जैसे यात्री सुविधा बुकिंग का भी सेवा शुरू करने जा रही है। भड़के स्पीकर विजय सिन्हा ने दी चेतावनी। बीते दिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का गुस्सा काफी ज्यादा देखने को मिला, जिसके तहत उन्होंने एक बार फिर से बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने पुलिस महकमे के कामकाज पर नाराजगी जताई है। दरअसल बीते दिन विजय सिन्हा लखीसराय विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे थे, जहां पर ही जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र में जान लेने की वारदात के मामले पर पुलिस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जिस पुलिसकर्मी की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाया था, उस बीरपुर से हटाकर उसे पिपरिया भेज दिया गया है। अब वहां पर जान लेने की वारदात हो रही है, क्योंकि बेहतर काम करने वाले पुलिस की वहां नियुक्ति ही नहीं की गई है। पुलिस महकमे को अच्छे पदाधिकारी को फील्ड में देना चाहिए, लेकिन यहां इससे उल्टा हो रहा है। विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि वो चुप नहीं रहेंगे। मधुबनी के सौराठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मधुबनी का सौराठ जगह 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक है सोमनाथ मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग गुजरात के सोमनाथ से लाई गई है। सौराठ का नाम भी गुजरात के सौराष्ट्र से मिलता जुलता है। सोमनाथ से शिवलिंग लाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम सौराठ पड़ा, जो कि सौराष्ट्र का ही अपभ्रंश है। दूसरी है प्रसिद्ध सौराठ सभा में शादी के लिए इच्छुक वरवधु के परिजन जुटते थे। आषाढ़ में लगने वाले इस सभा में प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों ब्राह्मण पहुंचते थे। इसमें वैवाहिक संबंध होते थे, बिना किसी तामझाम के और दहेज के शादी होती थी। इस सभा की शुरुआत तत्कालीन राजा हरि सिंह देव ने लगभग 700 साल पहले 1310 ईसा में किया था। हालांकि यह सभा पहले की तरह नहीं रही, परंतु अब भी इस प्रथा को वहां के लोगों द्वारा जिंदा रखा गया है।
बिहार के युवा नंदन ने हिमालय के कालानाग पहाड़ी पर लहराया तिरंगा। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इसी कड़ी में बिहार की एक और प्रतिभा ने बिहार का अपमान बढ़ाने का काम किया है, जिसके तहत ही बिहार के बक्सर में एक युवा ने अपने हौसले और लगन के दम पर उस ऊंचाई को पार कर लिया जहां पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। बक्सर के एक छोटे से गांव सनरेजा के रहने वाले युवा नंदन चौबे इस छोटे से जिले से निकलकर हिमालय पर्वत श्रृंखला की उस चोटी पर पहुंच गए जिसकी ऊंचाई 6387 मीटर के करीब है। बिहार से इकलौते और सबसे कम उम्र के पर्वतरोही नंदन चौबे ने कल कालानाग पहाड़ी पर चढ़ाई की है। बक्सर के चौसा प्रखंड का सरेंजा गांव के रहने वाले युवा नंदन चौबे ने हिमालय पर्वत श्रृंखला के कालानाग पर्वत चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया जो कि 6387 मीटर ऊंची है। करीब 24 वर्षीय नंदन की सफलता ने न सिर्फ बक्सर जिले को बल्कि पूरे प्रदेश का अभिमान बढ़ाया है। बिहार के लगभग सभी जिलों में दो दिनों तक बारिश के आसार। बिहारवासियों का भी तपती गर्मी से राहत मिलती रहेगी क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पटना समेत लगभग पूरे बिहार में अगले 48 घंटे में आंधी पानी की आशंका जताई गई है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के आसार है। इसको लेकर येलो अलर्ट तक जारी किया गया है। लोगों को आंधी पानी के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा का प्रभाव बना हुआ है। पूर्व पश्चिम ट्रफ लाइन उत्तर पश्चिम राजस्थान से उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ गुजर रही है, जिसके प्रभाव से आंधी पानी की आशंका बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया गंगा उद्धव योजना का निरीक्षण। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय योजना के अनुसार गंगा की बदली धार जो कि मोकामा से नालंदा और नवादा पहुंची है उसका ही निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिसके तहत ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का जायजा लेने नालंदा के घोड़ा कटोरा पहुंचे जहां उनके सामने ही परियोजना का ट्रायल किया गया। इस परियोजना के तहत जल संचयन के लिए कुल 350 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने का काम भी किया जा चुका है। पूरे परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साल 2019 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत बरसात के मौसम में 4 महीने तक पानी स्टोर किया जाएगा, जिसके बाद उसे प्यूरिफाई कर घरों और अन्य जगहों पर सप्लाई किया जाएगा। बीटीएससी से बिहार में 1539 फार्मासिस्ट की होगी भर्ती। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। बिहार के अस्पतालों में संसाधनों और दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने के साथ ही फार्मासिस्टों की कमी को दूर करने की दिशा में बिहार की नीतीश सरकार जल्द ही बड़ी बहाली करने वाली है, जिसके तहत ही स्वास्थ्य विभाग जल्द ही 1539 पदों पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति करेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर विधि विभाग को मंजूरी के लिए भेज दिया है। इसको लेकर वित्त विभाग ने सहमति प्राप्त भी करने की तैयारी कर ली है और नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। फार्मासिस्ट के पद पर उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त होने वाले फार्मासिस्ट को वेतन 5200 से 20,200 रुपए और ग्रेड पे 2800 रुपए तक दिया जाएगा। ड्यूटी में लापरवाही करने वाले डॉक्टरों का अब रखा जाएगा पूरा हिसाब। कोविड-19 के माहौल में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार नई नई कवायद कर रहा है, लेकिन कई जिलों से अभी भी ऐसी सूचना मिलती रहती है कि पूर्व में पदस्थापित डॉक्टर बिना विभाग गए ही सरकार की अनुमति लिए ही गायब हो जाते हैं, कुछ अध्ययन के लिए अवकाश पर रहते हैं। अब स्वास्थ्य विभाग ने ड्यूटी से गायब रहने वालों के साथ अध्ययन करने वाले डॉक्टरों का भी पूरा रिकॉर्ड रखने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिलों के सिविल सर्जन से कहा गया है कि वो अपने अपने प्रभार वाले जिलों में अस्पताल में तैनात या प्रतिनियुक्त डॉक्टरों का पूरा ब्यौरा सरकार को मुहैया कराए, साथ ही ये जानकारी अलग से दे कि कितने डॉक्टर बीते 6 महीने से कार्य से नदारद है। विभाग ने अध्ययन को गए डॉक्टरों का ब्यौरा भी तलब किया है। जिलों को संबंधित जानकारी देते हुए और देने के लिए भी आगे 15 दिनों का समय दिया गया है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ई कंटेंट मटेरियल तैयार करेगी अब यहां की टीम। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए अहम सूचना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में ITI के सेवानिवृत्त अध्यापकों को मेंटोर ग्रुप बनाकर कोर्स डिजाइन, शोध, इनोवेशन, टीचर ट्रेनिंग, ऑनलाइन ई कंटेंट रीडिंग मटेरियल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने सहमति दे दी है। शैक्षणिक और शोध में गुणवत्ता के स्तर पर इंजीनियरिंग कॉलेज को बेहतर बनाने के लिए IIT और NIT समेत अन्य उत्कृष्ट संस्थानों के सेवानिवृत्त प्रोफेसर को भी मार्गदर्शक शिक्षक के रूप में तैनाती की सहमति दी गई है, जिसके बाद ही अब IIT के शिक्षक कोर्स वर्क, प्रयोगशाला और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए कार्य करेंगे और सरकार को आवश्यक सुझाव देंगे। खासतौर से ये शिक्षक नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन से इंजीनियरिंग कॉलेज को मूल्यांकन कराने की तैयारी भी करने वाले हैं। NDA एकजुट 2025 तक कार्यकाल पूरा करेगी नीतीश सरकार। बिहार में इन दिनों NDA में फूट की खबरें लगातार सामने आ रही है। इसी बीच ऐसी खबरें भी आई हैं कि सरकार जल्द ही बिहार में गिरने वाली है। इसी बीच अब बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने दावा किया है कि नीतीश सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार बिहार में विकास के काम हो रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में NDA पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि NDA में अंतर्विरोध है, वो गलत दावा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष मनगढ़ंत बातें कर रहा है। जनता ने
एनडीए को सरकार चलाने के लिए बहुमत दिया है। वहीं इस मामले में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसे बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार को लेकर जो कुछ अटकलें लगाई जा रही है वो बस गलत है। जातिगत जनगणना को ललन सिंह ने बताया समय की मांग। बिहार की राजनीति में जातिगत जनगणना इन दिनों मुद्दा बनी हुई है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस मामले को लेकर अपनी बात कही है, जिसके तहत बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये केवल समय की मांग है। वहीं इस दौरान जब मीडिया कर्मियों ने उनसे लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो सीबीआई बताएंगे कि लालू यादव के ठिकानों पर छापेमारी क्यों की, क्योंकि इससे जदयू और राजद की नजदीकियों से इसका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने ये भी बताया है कि बिहार एनडीए में अभी तक सब कुछ ठीक है। जातिगत जनगणना पर 1 जून को होगी सर्वदलीय बैठक। बिहार में जातिगत जनगणना इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बीच जातिगत जनगणना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत इस मामले को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक 1 जून को होने वाली है। जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने इस बात की जानकारी दी। बीते दिन उन्होंने बताया कि बैठक में भाजपा सहित तमाम दलों की रजामंदी मिल चुकी है। पहले ये बैठक 27 मई को संभावित थी, लेकिन इसमें भाजपा के शामिल होने पर संशय बना हुआ था। उसके बाद भाजपा की बैठक में शामिल होने के फैसले के बाद ही नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। देश और बिहार के विकास के लिए ज्ञान बांटने की दी तेजस्वी ने नसीहत। इन दिनों बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर है। इसी बीच अब तेजस्वी यादव बीते दिनों ब्रिटिश संसद पहुंचे थे, जहां पर ही बिहार समेत देश भर में विकास के ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की है, जिसके तहत ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय मूल के विद्यार्थियों के साथ संवाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि यूके के छात्र देश और बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए नॉलेज शेयर करें और उनसे लगातार संवाद बनाए रखें। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पूर्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने लंदन प्रवास के दौरान विश्व प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ब्रिज इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय मंच से विभिन्न विषयों पर व्यक्त अपने उद्गारों द्वारा बिहार को गौरवान्वित किया है। लालू पर अब कस सकता है ईडी का शिकंजा। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के ऊपर संकट के बादल छटने के नाम नहीं ले रहे हैं। रेलवे नियुक्ति घोटाले में सीबीआई के द्वारा की जा रही कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर सकता है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई किए जाने की तैयारी है। सीबीआई ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर उनके कार्यकाल 2004 से 2009 के दौरान जमीन जायदाद लेकर ग्रुप डी की नौकरी देने के मामले में एक नया मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में उनके 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कुछ तथ्य सामने आए हैं। हालांकि अभी इस मामले की पूरी छानबीन चल रही है। सूत्रों के अनुसार लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में हुए रेलवे टेंडर घोटाले की जांच पूर्व से ईडी कर रहा है। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के साथ संबंध को लेकर किया खुलासा। जदयू से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह दोबारा राज्यसभा जाएंगे या नहीं, इस बात को लेकर बिहार में दोनों काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। इस बीच आरसीपी सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचते ही आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से संबंध और राज्यसभा टिकट को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके तहत ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। दरअसल हाल के घटनाक्रम को लेकर नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के संबंध को लेकर कई तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। वहीं आरसीपी सिंह दोबारा राज्यसभा जाएंगे या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। इस पर आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा से जुड़े सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्होंने सवाल को टाल दिया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल शासक जहांगीर ने 1611 में मेहरून निसा से निकाह किया था, बाद में इनका नाम नूरजहां पड़ा। यात्रियों को लेकर जा रहा स्टीमर सर जॉन लॉरेंस 1877 में उड़ीसा तट के पास डूबा था। परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर 1998 में प्रतिबंध न लगाने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 15 सदस्य देश सहमत हुए थे। प्रख्यात वकील और शिक्षाविद रास बिहारी बोस का जन्म 1886 को आज के दिन हुआ था। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत का निधन 1998 में आज के दिन हुआ था। भारतीय समाजसेवी रजनीकांत अरोल का निधन 2011 में आज के दिन हुआ था। आज खेला जाएगा एलएसजी और आरसीबी के बीच एलिमिनेटर मुकाबला। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में लीग स्टेज के सभी मुकाबले खत्म हो चुके हैं। अब प्लेऑफ में 4 टीमें खेलने उतरेंगी, जिसमें से क्वालिफायर 1 हो चुका है। एलिमिनेटर में खेलने वाली लखनऊ और बैंगलोर के लिए मुकाबला करो या मरो का होगा, जो कि आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। लखनऊ की टीम के सामने एक बड़ी मुश्किल है, जो उसके फाइनल की राह में रोड़ा बन सकती है। मुश्किल ये है कि केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम ने इस सीजन में प्लेऑफ में पहुंची तीनों टीम के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं जीता है। मतलब फाइनल में जाना है तो ऐसा करना होगा जिससे कि वो जीत सके। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है गौतम कुमार, कुश कुमार यादव, जीके प्लस, कृष्णा, संध्या सिंह,
गौतम कुमार, विजय घायल, अनुपम यादव, आलोक कुमार, सुबोध कुमार, रंजन फिनो नालंदा, आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ में कौन सी टीम क्वालिफाई आज करने में कामयाब रहेगी? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।